डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. किसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन? इट एक्सप्रेसेस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड्स एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. सो डिमांड जो है वो एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड वेरियस डिटर्मिनेंट्स के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करते हैं उसको नाम दे देते हैं डिमांड फंक्शन. सो व्हाट डज डिमांड फंक्शन स्टेट और एक्सप्रेस? इट एक्सप्रेसेस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, जब भी बेटे वर्ड फंक्शन आता है ना इकोनॉमिक्स में, किसी भी वर्ड के साथ वर्ड फंक्शन लग जाता है ना, तो वो क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन दैट वेरिएबल एंड जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है वो वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल, कंजम्पशन फंक्शन शोज, अगर मैंने कहा एक वर्ड है कंजम्पशन और उसके साथ वर्ड लगा दिया फंक्शन, तो मैंने कहा जिसके साथ वर्ड फंक्शन लग गया वो क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेरिएबल दैट इज कंजम्पशन एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, यानी जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है. तो आपकी कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? मोस्टली ऑन योर इनकम. सो कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. नाउ कमिंग टू डिमांड, डिमांड डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स लाइक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दिस वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे. There are many other factors on which demand for the commodity depends. Like, I will be explaining it. Now I'm just listing down the factors जिसके ऊपर आपकी demand depend करती है. Commodity के price के ऊपर करती है, आपकी income के ऊपर करती है. मानते हो या नहीं? सबने अलग अलग demand बोली कल pen की, अपनी अपनी purchasing power के हिसाब से बोली, यानी income के हिसाब से बोली. आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर करती है. किसी को स्टेशनरी कलेक्ट करने का शौक है, किसी को नहीं है. ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, किसी की एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस एंड आल्सो ऑन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ठीक है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दीज. टिल नाउ आई एम जस्ट लिस्टिंग डाउन द फैक्टर्स ऑन विच डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स. सो डिमांड फंक्शन expresses the functional relationship between demand and the various factors on which demand depends. ठीक है, demand function को हम further दो categories में divide करते हैं, individual demand function, market demand function. What is individual demand function? Here we are talking about one individual consumer. How the individual reacts to different factors, or we can say individual demand function expresses functional relationship between demand for a commodity of an individual and its various determinants. एक individual की demand कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के लिए, पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है, वो जो रिलेशनशिप है वो हमें पता चलती है. इंडिविजुअल, उसको जब हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर कमोडिटी एक्स, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इक्वल टू का साइन डाला,
एफ लिखा, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, इसको ऐसे नहीं पढ़ना इज इक्वल टू एफ, इसको कैसे रीड आउट करना है, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज ए, इक्वल टू को क्या बोलना है, इज ए फंक्शन ऑफ, इज ए फंक्शन ऑफ, व्हेन वी से एनीथिंग इज ए फंक्शन ऑफ एनीथिंग इट मींस इट डिपेंड्स अपॉन, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ, इट मींस डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स डिपेंड्स अपॉन। ये पेन है मेरे पास, इसकी डिमांड मैं कितनी करूंगी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके प्राइस के ऊपर, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स। कल हमने डिस्कस किया था ना बेटे, किसी भी कमोडिटी के डिमांड या किसी भी कमोडिटी के मैं कितने यूनिट्स लेने को तैयार हूं, डिमांड कर रही हूं, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, कमोडिटी के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। इसके अलावा ये डिपेंड करता है रिलेटेड गुड के प्राइस के ऊपर, कैसे डिपेंड करता है डिस्कस करेंगे अभी। फिर ये डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम के ऊपर, करता है या नहीं। फिर ये करता है कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर। फिर ये डिपेंड करता है उसकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। इन सब फैक्टर्स के ऊपर मेरी पेन के लिए डिमांड डिपेंड करती है, मैं पेन के कितने यूनिट्स लेने को तैयार हूं, ठीक है, यानी मैं कितने पेन्स डिमांड करूंगी, ये मेरी डिमांड डिपेंड कर रही है पेन के प्राइस के ऊपर, पेन के रिलेटेड गुड के प्राइस के ऊपर, मेरी इनकम के ऊपर, मेरे टेस्ट के ऊपर और मेरी एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो जब हम इस रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ठीक है। इसको रीड आउट कैसे करना है, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स is a function of px, py, y, t, e. What does it mean? इसका मतलब क्या है? That demand for commodity x depends upon. ठीक है? कैसे read out कैसे करना है? dx is a function of. ये इसका function है. तो आपको कोई भी थर्ड पर्सन पूछता है बेटे मैंने ये पढ़ा है कि कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम या डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, इसका मतलब समझा दो क्या है, तो क्या बोलोगे, क्या मतलब है, बोलो, दैट डिमांड डिपेंड्स अपॉन जो भी आगे लिखा है। अगर उसने कहा कि मैंने रीड किया है, एक लाइन न्यूज़पेपर में आई है कि डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, इसका क्या मतलब है, तो क्या समझाओगे, इसका मतलब है डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, गॉट इट। मार्क्स इज ए फंक्शन ऑफ हार्डवर्क, मार्क्स डिपेंड्स अपॉन हार्डवर्क, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स में ये वर्ड बहुत बारी यूज होता है, इज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट मार्केट डिमांड फंक्शन। व्हाट इज मार्केट डिमांड फंक्शन बेटे, इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ऑल द इंडिविजुअल्स इन द मार्केट। डिमांड फॉर ए कमोडिटी, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड for a commodity of all the consumers in the market and its various determinants. जब मैंने ये देखा कि मेरी पेन के लिए डिमांड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैंने क्या स्टडी किया, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ठीक है। अब मैंने देखा ये सारे कंज्यूमर्स हैं मार्केट में, तो आप कितना पेन लेना चाहते हो, आप कितने लेने चाहते हो, मैंने टोटल कर लिया,
ठीक है, और मैं ये देख रही हूँ आप सबकी डिमांड, कलेक्टिव डिमांड किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसको स्टडी किया, उसको क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड फंक्शन। सो मार्केट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ, कैन यू टेल मी, सबकी कलेक्टिव डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी, करेगी बेटे, क्योंकि व्हाट इज मार्केट, इट इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अगर इंडिविजुअल प्राइस से अफेक्ट होता है तो मार्केट यानी सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स विल आल्सो बी अफेक्टेड बाय प्राइस, ठीक है। सो प्राइस ऑफ एक्स से अफेक्ट होगी, प्राइस ऑफ वाई से भी अफेक्ट होगी, इनकम से भी होगी, आप सबकी डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से भी होगी, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस से भी होगी। इसके अलावा ये डिमांड डिपेंड करेगी साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, किसके ऊपर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। बेटे अगर आज 18 स्टूडेंट्स आए हैं तो मैंने आपसे आपकी डिमांड ली तो टोटल आई 50 पेंस, कल को 30 स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी या नहीं। इसका मतलब जो मार्केट डिमांड है वो इन फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, विच इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मैं उसको एन दे रही हूं नाम, साइज का मतलब मैंने समझा दिया, लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन मोर विल बी द मार्केट डिमांड। व्हाट अबाउट कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, आप में से लेट अस से बॉयज की रेशो कम है, गर्ल्स की ज्यादा है, तो उन गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी जो गर्ल्स कंज्यूम करती हैं, या पॉपुलेशन में यंग ज्यादा है और यूथ ज्यादा है, चिल्ड्रन और एजेड कम है, तो हमारी इकोनॉमी में मोबाइल फोन्स, बुलेट, ऐसी चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। अगर बच्चों की रेशो ज्यादा है तो टॉयज, चॉकलेट्स, इनकी रेशो ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी। अगर एजेड पर्सन की प्रोपोर्शन ज्यादा है तो मेडिसिन, टॉनिक्स, स्पेक्स, इनकी डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। सो विच मीन्स मार्केट डिमांड डिपेंड्स अपॉन साइज एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वे द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। शॉर्ट में अभी बता देती हूँ, जब फैक्टर्स डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इन लेंथ बताऊंगी, अभी के लिए सिर्फ इतना बता देती हूँ कि अगर इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मार्केट डिमांड कम होगी, अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मार्केट की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज मार्केट डिमांड फंक्शन विच एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। क्लियर? नाउ फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो बेटे पहला फैक्टर जो एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करता है क्या है बताइए, एनीवन? प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैसे अफेक्ट करता है? सपोजिंग हम एक्स की डिमांड डिस्कस कर रहे हैं, एक्स की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक्स के प्राइस के, कैसे डिपेंड करेगी, प्राइस बढ़ेगा तो हम एक्स की डिमांड कम कर देंगे, प्राइस कम होगा तो हम एक्स की डिमांड बढ़ा देंगे। क्लियर? देयर एग्जिस्ट नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड।
Clear? Now, very interesting fact, demand of X does not only depend upon price of X, it depends upon price of its related good. ये तो बेटे बहुत ही इजी है समझना कि भाई चौक की डिमांड चौक के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती करती है, ये इसके रिलेटेड गुड के ऊपर भी डिपेंड करती है. व्हाट आर रिलेटेड गुड्स? रिलेटेड गुड्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, वो गुड्स जिनका प्राइस एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड को अफेक्ट कर देता है वो आपस में रिलेटेड है. रिलेटेड गुड्स जिनमें से किसी एक का प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर देता है तो वो आपस में उनका रिलेशन हो गया. वी आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स. व्हाट आर दोज गुड्स? वन, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. फर्स्टली लेट अस स्टडी अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स. नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? ओके फाइन, एनीवन एल्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स, कैंटीन में पेप्सी पीने गए, नहीं मिली, कोक है, पी लोगे? पेप्सी की जगह कोक पी लोगे? इसका मतलब पेप्सी एंड कोक कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर विद इक्वल ईज, विद इक्वल सेटिस्फेक्शन. सो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठंड लग रही है, कॉफी पीने गए कैंटीन में, नहीं मिली, चाय है, पी लोगे? यस, विच मीन्स टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट. पायलट का पेन लेने गए मार्केट में, नहीं है, उसने सिमिलर एक पेन दिखा दिया, नए ब्रांड का है, वैसा ही है, उतने पॉइंट 0.5 था, ये भी 0.5 है, ले लोगे? विच मीन्स डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ पेन्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. So how do we define substitute goods? Yes, those goods which can be used in place of each other with equal ease and satisfaction. जब हम एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, सेटिस्फेक्शन में कोई डिफरेंस ना आए, ऐसे तो ऐसे गुड्स को क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स. एग्जाम्पल्स लिख लो, पेप्सी एंड कोक, टी एंड कॉफी, ऑल दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है, अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अगर चेंज हो तो गिवन गुड की डिमांड कैसे अफेक्ट होती है. सो हेयर आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, पेप्सी एंड कोक. वी वांट टू नो हाउ डिमांड ऑफ कोक इज अफेक्टेड बाय प्राइस ऑफ पेप्सी. मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूं, आपको पता है कि कोक की डिमांड कोक के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है. अगर कोक 10 रुपए का है, आप 10 कोक पीते हो. अगर कोक 5 रुपए का हो जाएगा, आप 20 पीने लग जाओगे. चलो एक मैंने कहा ना, हाइपोथेटिकल फिगर लेनी है, ठीक है, आप ज्यादा डिमांड कर दो, ये पता है.
डू यू नो के कोक की डिमांड ना सिर्फ कोक की प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, ये पेप्सी की प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करती है। लेट अस सी कैसे डिपेंड करती है। आप लेट अस से आप कोक की डिमांड करते हो 10 कोक, व्हेन प्राइस ऑफ कोक इज रुपीज 10, प्राइस ऑफ पेप्सी इज ऑल्सो रुपीज 10, तो आपको लगता है आपका कोक की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप्ड है, आप शुरू से कोक ही पीते आते हो, तो आप कोक की डिमांड करते हो, पेप्सी और कोक दोनों इक्वली प्राइस्ड हैं, ठीक है, तो यू बाय 10 बॉटल्स ऑफ कोक। सो व्हाट हैपेंस इफ प्राइस ऑफ पेप्सी फॉल्स टू रुपीज 5, वॉट इज पेप्सी? पेप्सी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कोक। अब मार्केट में पेप्सी का प्राइस हो गया 5 रुपए, कोक 10 रुपए का ही है, कोक का प्राइस सेम है। सो अगर कोक की डिमांड सिर्फ कोक की प्राइस के ऊपर डिपेंड करती तो आपसे मैं पूछती, बेटे कोक 10 रुपए का है, पेप्सी अब 5 की होगी, आप कितनी डिमांड करोगे? आपने कहा मैम मैं तो कोक ले रहा हूँ, कोक 10 रुपए की थी, पहले भी 10 की थी, अभी भी 10 की है, मैं तो 10 बॉटल्स लेता था, अभी भी 10 बॉटल्स लूंगा। एनी ऑफ यू वुड वेरी? सब यही कहेंगे मैं 10 कोक ही लूंगा, या आप में से कोई अपना आंसर अब चेंज करना चाहेगा? आप पेप्सी लेना शुरू कर दो, तो मुझे ये जानना है कोक की डिमांड कितनी हो जाएगी। अब आप कोक कितना लोगे? एक फिगर दे दो, 5। सो इसका मतलब जब पेप्सी का प्राइस गिर गया तो कोक की डिमांड भी कम हो जाएगी। यस और नो? इट्स योर आंसर, आई हैव नॉट इन्फ्लुएंस्ड योर चॉइस। मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे कि बेटे अब पेप्सी 5 रुपए की होगी है, आपने कहा अच्छा फिर पेप्सी और कोक में तो कोई फर्क है ही नहीं है, वाई शुड आई बाय कोक, आई विल बाय पेप्सी। तो कोक की डिमांड इन्फ्लुएंस हुई, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द डिमांड ऑफ पेप्सी हियर, क्योंकि हमारी गिवन कमोडिटी क्या है? कोक। हम किसकी डिमांड डिस्कस कर रहे हैं? कोक की। कोक हमारी एक्स कमोडिटी है और उसका सब्स्टिट्यूट पेप्सी हमारी वाई कमोडिटी है। तो अगर बेटे पेप्सी का प्राइस गिर गया तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी। अब मैं पेप्सी और कोक तो नहीं लिख सकती ना अपने आंसर में, एग्जाम्पल तो जरूर है लेकिन एक्सप्लेन तो गिवन वर्ड्स में करना है ना। तो पेप्सी क्या है? रिप्लेस पेप्सी विद वन वर्ड, सब्स्टिट्यूट गुड। रिप्लेस कोक विद वन वर्ड, इट इज अ गिवन कमोडिटी। कमोडिटी इन क्वेश्चन कह लो, गिवन कमोडिटी, गिवन गुड कह लो, एनी वर्ड वुड डू। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट द अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। हाउ सब्स्टिट्यूट गुड अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी? इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल्स, डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी विल ऑल्सो फॉल, एंड वाइस वर्सा। अगर पेप्सी महंगी हो गई 15 रुपए की हो गई, आप क्या करते थे? सपोजिंग आप 5 कोक लेते थे महीने में और 5 पेप्सी पीते थे, आपकी कोक की डिमांड क्या थी? 5। अब
और पेप्सी की भी 5। अब कोक का जो सब्स्टिट्यूट गुड है यानी कि पेप्सी, ये हो गया 15 रुपए का। अब मुझे आप खुद बताओ क्या करोगे, आप पेप्सी नहीं लोगे, क्या लोगे फिर? यानी कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। कब बढ़ी? जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया। सो इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड राइजेस, डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी और कमोडिटी इन क्वेश्चन ऑल्सो इंक्रीजेस। सो अगर आप, कई बारी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, याद नहीं कर पाते, सोचने लग जाते हैं, बेटे सिर्फ एक प्लस साइन याद रखना सब्स्टिट्यूट गुड में, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस और गिवन गुड की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, प्लस। मतलब अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस फॉल हो रहा है तो गिवन कमोडिटी की डिमांड भी फॉल होगी, पॉजिटिव हो गया ना। ऑन दी अदर हैंड, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो गिवन कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर? सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कल कर लेंगे। सो बेटे जब तो आपके सब्जेक्टिव पेपर्स होने थे तब तो आई वुड एक्सप्लेन इसको, पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करना है, पहले सब्स्टिट्यूट गुड का मीनिंग देना है फिर उसको एक्सप्लेन करना है इस तरह से। अभी तो आप कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एनीवन हैविंग एनी डाउट बेटे, यू कैन आस्क।